आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों राकेश शर्मा की। राकेश शर्मा की बात करें दोस्तों तो ये पहले भारतीय थे जो स्पेस पे गए थे, चांद पे नहीं गए थे। याद रखिएगा, अभी चांद पे कोई भारतीय नहीं गया है, लेकिन पहले भारतीय थे जो स्पेस पे गए थे। ठीक है, कमाल की बायोग्राफी, कमाल की स्टोरी है और इनपे एक मूवी भी बन रही है। शायद शाहरुख खान राकेश शर्मा का रोल प्ले कर रहे हैं। राकेश शर्मा जब स्पेस पे गए, एस्ट्रोनॉट थे, स्पेस पे गए तो इनसे जब पूछा इंदिरा गांधी ने, 5 मिनट तक संवाद किया था, वो इंटरव्यू जो है, संवाद जो है वो अवेलेबल है, जो बातचीत हुई थी इंदिरा गांधी और राकेश शर्मा के बीच। तो राकेश शर्मा से पूछा इंदिरा गांधी ने कि वहां से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा। क्या बात है, आप जरूर देखिएगा। राकेश शर्मा की बात करेंगे दोस्तों, एयरफोर्स में थे और कमाल का करियर रहा है। आगे बढ़ते हैं। सर अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरा जो फेसबुक पेज है, आप वहां पे सवाल पूछे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब सर अंडरस्कोर रिकनेक्ट प्रोफाइल पे मैंने अपनी फ्रेंड लिमिट जो है वो एग्जॉस्ट कर दी है, तो बहुत सारे सवाल जो है मैं देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं मतलब जो लैपटॉप से फेसबुक कम यूज करता हूँ, अपने मोबाइल से ही यूज करता हूँ, लैपटॉप से मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता, तो उसमें सारे मैसेजेस नहीं आते। तो कई लोग बोलते हैं सर आप जवाब नहीं देते। मैं देता हूँ, सबके जवाब देता हूँ, लेकिन जो मैसेजेस मुझे दिखते हैं उनके जवाब देता हूँ। तो आप मेरे पेज पे कोई भी क्वेरी हो पूछिए, वहां पे आपको 2 दिन के अंदर सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेनड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और 10 जनवरी तक सारे कोर्सेज पे 70% ऑफ चल रहा है, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। 13 जनवरी 1949 को इनका जन्म हुआ था पटियाला पंजाब में। तो मिस्टर शर्मा पटियाले वाले है ना, बोलते हैं ना। तो सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल हैदराबाद में इन्होंने अटेंड किया और उसके बाद फिर ये निजाम कॉलेज गए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी जिसको बोला जाता है, और फिर इन्होंने एनडीए का एग्जाम दिया। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी एयरफोर्स इन्होंने ज्वाइन की। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि यूपीएससी ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाती है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप 12वीं पास आउट होते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप एनडीए का फॉर्म जो है वो भर दें। ठीक है, तो जब आप फॉर्म भरेंगे और आपका एग्जाम निकलता है तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। वैसे तो फॉर्म में ही लिखा रहता है कि या तो आप आर्मी ज्वाइन करें या आप एयरफोर्स। एयरफोर्स की मेरिट जो है वो काफी हाई जाती है, क्योंकि सबकी पहली पसंद जो होती है वो एयरफोर्स ही होती है ज्यादातर, और इसलिए भी होती है कि भैया प्लेन उड़ाना है ना, हवा से बातें करनी है, क्या बात है। और उसके बाद होता है नेवी। ठीक है, तो ये 3 आपको चॉइस मिलती है। अब जब आप एनडीए निकाल के जाते हैं, जब आप 12वीं के बाद जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका 3 साल का सबसे पहले तो ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, आपकी पढ़ाई पूरी करवाता है जो आर्मी है, और उसके बाद आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। ठीक, अब अगर आप 12वीं के बाद किसी वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाए या एग्जाम नहीं दे पाए, कोई घबराने की बात नहीं है, आप ग्रेजुएशन के बाद भी एग्जाम दे सकते हैं सीडीएस का, उसमें भी सेम प्रोसेस होता है, बस आपका ग्रेजुएशन का टाइम बच जाएगा, सीधा आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी। तो इन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी 1966 में इन्होंने एग्जाम दिया, निकाला, और उसके बाद इन्होंने एयरफोर्स को ज्वाइन किया। 4 साल की इनकी ट्रेनिंग हुई, जैसा कि मैंने बताया 3 साल इनका पूरा ग्रेजुएशन तब भी ट्रेनिंग होती है और 1 साल की इनकी फाइनल ट्रेनिंग। तो 12वीं के बाद इन्होंने एग्जाम दिया था। बचपन में ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार, तभी तो भैया एयरफोर्स में है। यूपीएससी का एग्जाम, एनडीए का, एससीडीएस का एग्जाम दोस्तों बहुत ही टफ होता है, और एसएसबी तो बहुत ही ज्यादा टफ होता है, स्पेशली एयरफोर्स का एसएसबी। उसमें तो आपका एक एक चीज टेस्ट करते हैं, एयरफोर्स के एसएसबी में हालत खराब हो जाती है। ठीक है, तो 1970 की बात करें, मतलब 1970 में इनको एज अ पायलट कमीशन किया गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राकेश शर्मा की, अच्छा अगर एयरफोर्स की हायरार्की को देखें तो जब आप आर्मी से निकलते हैं, ठीक है, आर्मी जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे पहली जो पोस्ट दी जाती है वो लेफ्टिनेंट की दी जाती है। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है जब आप एयरफोर्स में ज्वाइन करते हैं, जब आप पायलट बनते हैं तो आपको पहली पोस्ट क्या दी जाती है? आपको पहली पोस्ट फ्लाइंग ऑफिसर दी जाती है। सारी पोस्ट ग्रेड बी की होती है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनते हैं, जो कि आर्मी के कैप्टन के इक्विवेलेंट है। फिर आप स्क्वाड्रन लीडर बनते हैं, जो कि आर्मी के मेजर के इक्विवेलेंट है। फिर आप विंग कमांडर बनते हैं, जो कि आर्मी के लेफ्टिनेंट कॉलोनल के इक्विवेलेंट है।
फिर आप ग्रुप कैप्टन बनते हैं जो कि आर्मी के कॉलोनल के इक्विवेलेंट है, फिर आप एयर कॉमोडोर बनते हैं जो कि आप ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट है, उसके बाद आप एयर वाइस मार्शल बनते हैं जो कि मेजर जनरल के इक्विवेलेंट है, फिर एयर मार्शल जो कि लेफ्टिनेंट जनरल, फिर एयर चीफ मार्शल जो कि जनरल, और लास्ट में मार्शल ऑफ द एयर फोर्स जो कि फील्ड मार्शल होता है। तो मैंने आपको आर्मी से इसलिए कंपैरिजन दिया ताकि आप समझ सके, अक्सर लोगों को आर्मी के बारे में पता है लेकिन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की हायरार्की नहीं पता है। तो ये एज अ फ्लाइंग ऑफिसर 1970 में इनको कमीशन किया गया, लेकिन दोस्तों इनके सपने तो चांद छूने के थे, तारे छूने के थे। तो क्या है कि उस समय भारत और सोवियत का एक प्रोग्राम चालू हुआ, ठीक है, जिसको ये जॉइंट प्रोग्राम था, इंटर कॉस्मोस बोला गया, ठीक है। इसमें स्पेस पे जाने के लिए लोग एस्ट्रोनॉट चुने जाने वाले थे, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर राकेश शर्मा तो एयरफोर्स में है, तब इनको क्यों, ऐसा नहीं है दोस्तों, पायलट भी तो जरूरी होता है ना, कंट्रोल भी तो आपको करना पड़ता है। तो कंट्रोलिंग के लिए, एयरक्राफ्ट की कंट्रोलिंग के लिए हम ये देखते हैं कि उसमें एक एयरफोर्स का बंदा भी जाता है, ठीक है। तो यहां पे दो जो थे वो सोवियत से चुने जाने वाले थे और एक जो था वो भारत का था। इंटर कॉस्मोस जो प्रोग्राम था ये 1980 के दशक में शुरू हुआ, हालांकि ये प्रोग्राम तो बहुत टाइम से, और सिर्फ भारत के साथ नहीं, ठीक है, ये और भी देशों के साथ चलाता है, रशिया जो सोवियत जो है, ठीक है। 1970 जो दशक था दोस्तों, ये आपको पता ही है कि ये स्पेस टेक्नोलॉजी का समय उदय हो रहा था। इधर अमेरिका जो है वो पूरी कोशिश कर रहा था, अपोलो 7 की मैंने कहानी बताई है दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग जो अमेरिका का पहला मिशन था चांद का, उसकी पूरी कहानी बताई है मैंने, लेक्चर अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि रशिया ने यूरी गैगरिन को स्पेस पे भेज दिया, ठीक है, वो तो फर्स्ट मैन थे ना टू गो इन स्पेस। अभी तक राकेश शर्मा 138वें इंसान बने थे, 138वें एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में गए थे, ठीक है। तो इधर सोवियत जो है वो तो अपना फुल ऑन, उनका जो स्पेस प्रोग्राम था वो चालू था। अब अगर सोवियत का प्रोग्राम चालू है तो इधर अमेरिका कैसे पीछे रहे, तो अमेरिका ने अपोलो प्रोग्राम लॉन्च किया, लेकिन दोस्तों ये 1960 में लॉन्च किया था दोस्तों, 9 साल लग गए, तो काफी वक्त लगा अमेरिका को चांद पे पहुंचने में। ऐसा लग रहा था कि कहीं यहां पे भी सोवियत ना बाजी मार ले, ठीक है। तो ये चीज थी। अब उसके बाद क्योंकि सोवियत और भारत जन्म जन्म के दोस्त हैं, तो सोवियत और भारत का ये जो प्रोग्राम था इंटर कॉस्मोस, इसमें राकेश शर्मा को चुना गया। अब दोस्तों इसमें ऐसे नहीं चुना जाता है, ये बकायदा ट्रेनिंग होती है, ठीक है। दो कैंडिडेट थे, पहले तो छांटे गए कौन एयरफोर्स में सबसे काबिल है, तो उसमें दो लोगों का चुनाव हुआ, एक थे राकेश शर्मा, दूसरे थे रवीश मल्होत्रा। फाइनल टेस्ट हुआ राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा के बीच में, और फाइनल टेस्ट में राकेश शर्मा ने बाजी मार ली। फिर राकेश शर्मा की पूरी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। राकेश शर्मा अपने इंटरव्यू में खुद बताते हैं कि जीरो ग्रेविटी, अब दोस्तों आज तो आप क्रिएट कर सकते हैं जीरो ग्रेविटी, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, चेंबर एम्बर बना के, ठीक है, लेकिन उस समय बहुत मुश्किल था क्योंकि वहां पे जीरो ग्रेविटी है, आपकी बॉडी जिस तरीके से बिहेव यहां करती है स्पेस में वैसी नहीं करेगी। स्पेस में आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, प्रॉब्लम होगी, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। कुछ लोग को तो, कुछ एस्ट्रोनॉट्स तो ऐसे होते हैं जो क्योंकि उल्टे जाते हैं ये, ठीक है, रॉकेट ऐसा होता नहीं, लोग बैठे ऐसे होते हैं, ठीक है, तो जाने में ही काफी लोग ट्रैवल सिक होते हैं, ठीक है, लोगों को बस में उल्टी आने लगती है, ये तो स्पेस में जा रहे हैं, तो बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन इसकी बकायदा पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो 3-4 साल तक ये ट्रेनिंग चलती है दोस्तों, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ग्रेविटी में एडजस्ट करना, धरती की ग्रेविटी, ये राकेश शर्मा खुद बोलते हैं, धरती की ग्रेविटी अलग है, स्पेस की ग्रेविटी अलग है। जब वो धरती में वापस आए तो काफी वक्त उनको लग गया कि यहां की ग्रेविटी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना, वो जाहिर सी बात है। और राकेश शर्मा बोलते हैं कि बताइएगा नहीं किसी को लेकिन हम नहाते नहीं है, हालांकि अब आप एक बैग में नहा सकते हैं, उस समय का जमाना अलग था दोस्तों, जब आप स्पेस में जाते थे तो बहुत चीजें अलग थी, ठीक है, अब ऐसा नहीं है। स्पेस में कुछ भी वेस्ट नहीं किया जाता, स्पेस सूट जो होता ना वो खाली स्पेस सूट 80 करोड़ का बनता है, ताकि वो पूरा प्रेशराइज होता है, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। तो स्पेस में लाइफ जो है वो बहुत कठिन होता है, लेकिन खूबसूरत नजारा होता है। जब पूछा गया राकेश शर्मा से कि सबसे खूबसूरत आपको क्या लगा स्पेस में, तो उन्होंने बोला सनराइज एंड सनसेट, वो अलग ही नजारा, और फ्लोटिंग होती रहती है, सब ऐसे ऐसा लगता है कि सब पानी में तैर रहे हैं, वैसे ही आप स्पेस में तैरेंगे जीरो ग्रेविटी में, ठीक है, और साथ ही साथ संपर्क भी होता रहता है। आपको पता ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, स्पेस पे भी स्टेशन है जिनको हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोलते हैं, ठीक है,
ये पांच देशों की जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको कंट्रोल करती हैं। हालांकि 16 देशों ने मिलके आईएसएस को बनाया है। क्या काम होता है स्पेस में आप जा रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना, फिजिक्स पे, मैथ्स पे, मैथ्स मैथमेटिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, बायोलॉजी पे, ठीक है, नई नई संभावनाओं को खोजना, ये काम होता है एस्ट्रोनॉट्स का। ये सब मैं बता चुका हूं, मैं क्यों बता रहा हूं दोबारा। क्रिस्टीना कोच की बायोग्राफी दोस्तों जो 3 दिन पहले मैंने रिव्यू की है, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे ज्यादा वक्त तक वो स्पेस में है, जो महिला है, महिला के क्षेत्र में वो रिकॉर्ड है, वो पहली महिला बन गई है जो 289 तक, अब तो ज्यादा हो गए, 291 डेज तक वो स्पेस में, इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो पेगी विटसन के नाम था। तो ये सब मैंने उसमें बताया है कि स्पेस पे लाइफ कैसी होती है, और राकेश शर्मा भी यही बताते हैं। तो 1982 में हम ये देखते हैं कि 1982 में इनको सिलेक्ट किया गया, ठीक है, और 2 साल इनकी ट्रेनिंग हुई। अब बहुत ही ज्यादा पेट में गुदगुदी कि यार जाना है, कैसे जाएंगे, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था, समझ में नहीं कि ये सक्सेस होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन जो सोवियत इससे पहले अपने भेज चुका था, अपने साइंटिस्टों को, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज चुका था, तो वो तो कॉन्फिडेंट था, लेकिन भारत के लिए तो काफी दिक्कत होने वाली थी। बट फिर भी 2 साल तक जबरदस्त ट्रेनिंग हुई, और 2 अप्रैल को वो दिन आ गया। 2 अप्रैल को जब स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा सोयज जो एयरक्राफ्ट है, स्पेसक्राफ्ट है, जो कि रशिया का ही है, वो उन्होंने बोर्ड किया, इनके साथ 2 और लोग थे, ठीक है ना, 2 और ये सोवियत एस्ट्रोनॉट थे, जिनका नाम था यूरी मालिशेव और गेनाडी स्ट्रकेलोव। ये तीनों सोयज में बैठे स्पेस पे निकल गए, तो बाहर ये नहीं गए, 8 दिन ये रहे स्पेस में, और उसके बाद ये वापस आ गए, और उसके बाद फिर बधाइयों की झड़ी लग गई, और बहुत ही प्राउड मोमेंट था ये भारत के लिए। और जैसा कि मैंने बताया, इन पे एक मूवी बनेगी। अब वो पहले तो आमिर खान करने वाले थे, लेकिन आमिर खान ने बोला शाहरुख खान करे तो ज्यादा बेटर है। अब पता नहीं, अभी उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हालांकि नहीं हुई है, देखते हैं वो कब आती है, आई एम वेरी क्यूरियस टू सी दैट मूवी, देखते हैं। उसके बाद दोस्तों ये एयरफोर्स में ही रहे, एयरफोर्स में इन्होंने जॉब की, फिर ये रिटायर हुए, और आपको बता दूं कि 2001 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, जब इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा कि भारत कैसा लगता है, तो उन्होंने रिप्लाई किया सारे जहां से अच्छा, ये कमाल की बात थी, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों 2001 में इन्होंने पूरा रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, फ्लाइंग से रिटायरमेंट ले लिया। 1987 में इन्होंने, ये इनके विंग कमांडर बने थे, जो कि लेफ्टिनेंट कॉर्नल, मैंने बताया ना आर्मी के लेफ्टिनेंट कॉर्नल कॉर्नल की इक्विवेलेंट रैंक होती है विंग कमांडर, ठीक है। तो 1987 में इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ज्वाइन किया, वहां पे ये जो यंग पायलट्स आते थे उनको प्रशिक्षण देते थे, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 2001 में इन्होंने पूरी तरीके से रिटायरमेंट ले लिया। अभी 70 साल के हैं, नीलगिरीज में रहते हैं, ठीक है, साउथ में रहते हैं, बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू देते रहते हैं। अभी अभी की फोटो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अब किस तरीके राकेश शर्मा जो है अब कैसे हो गए हैं, तो फोटो मैं दिखाने वाला हूं। फिर राकेश शर्मा को अशोक चक्र मिला, जो कि हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड तो है परमवीर चक्र, अशोक चक्र जो है वो हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। और बाकी के दोनों सोवियत मेंबर्स को भी अवार्ड मिला। अब ये अवार्ड क्यों मिला? क्योंकि सोवियत ने भी राकेश शर्मा को अवार्ड दिया, ठीक है। तो हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन, ये राकेश शर्मा को सोवियत ने अवार्ड दिया, बदले में भारत को भी देना था, जैसा कि मैंने बताया सोवियत और भारत भाई भाई। तो जो 2 कॉस्मोनॉट गए थे, मालिशेव और स्टकलॉव, उनको भी भारत ने अशोक चक्र दिया, ठीक है। अब ये देख लीजिए दोस्तों, ये हैं राकेश शर्मा 70 साल के। इन्होंने इंडिया टुडे को अभी इंटरव्यू दिया था, और उन्होंने बताया था अभी 2022 में तो अब गगनयान जो है, भारत अब लोगों को स्पेस पे भेजेगा, तो गगनयान 2022, अब देखेंगे क्या होता है उसमें। और वैसे तो आपके पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है, तो अब तो आम इंसान भी स्पेस पे जा सकता है, बहुत सारी स्पेस एजेंसीज जो है ये एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। तो ये है राकेश शर्मा इस समय। मुझे पीछे का बैकग्राउंड बड़ा अच्छा लगा, देखिए कितनी अच्छी जगह पे घर है, इंसान यहां पे जाए तो सारे दुख भूल जाए। देखिए पूरी हरियाली ही हरियाली है, जंगल है, खिली खिली धूप, क्या बात है, नेचर, रॉ नेचर, वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना नहीं है वैसे, क्योंकि लेक्चर खत्म हो गया है। तो कुछ नहीं, बढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।